नमस्कार, आप देख रहे हैं CDTV24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सनम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। फिर पांचवी बार भाजपा के शैलेंद्र प्रताप सिंह ने दर्ज की शानदार जीत। सांसद मेनका ने दी बधाई। शैलेंद्र ने जताया आभार। भाजपा दफ्तर विजेता के आवास पर उड़े अबीर, गुलाल, बटी मिठाइयां, डीजे पर तिरखे लोग। एमएल सिंह ने जीत पर पीएस मोदी, सीएम योगी, पार्टी नेतृत्व, पंचायत प्रतिनिधियों का किया आभार प्रकट। सुल्तानपुर से संजय तिवारी की खास रिपोर्ट। एमएलसी के चुनाव में सुल्तानपुर अमेठी सीट के भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। सन 1990 में पहली बार चुनावी जीत हासिल करने वाले सिंह ने इस बार पांचवी दफा सपा प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति को करीब 1269 मतों के अंतर से कड़ी शिकस्त देकर अभूतपूर्व विजय प्राप्त की और इसी के साथ केसरिया ध्वज बुलंद कर दिया है। जिला मुख्यालय से सटे उत्तरी गाँव के निवासी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने पहली बार सन 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनावी समर में कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ने का काम किया था। इसके बाद ₁९९६ व 2003 में भी जीत हासिल करके विजय की हैट्रिक बनाई। 2016 में भी उनका विजय रथ चलता रहा। सन 2021 में सिंह ने सपा का चोला उतारकर भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर भगवा बाना धारण किया और पार्टी ने उन पर विश्वास कायम रखते हुए एमएलसी चुनाव में उतारा। विपक्षों के धनबल के सम्मुख इस बार भी श्री सिंह की ईमानदार, सहज व सौम्य छवि ने बाजी मारी। वे पांचवी बार रिकॉर्ड जीत कायम करने में सफल रहे। पूर्वांचल के वे पहले ऐसे एमएलसी हैं जिन्होंने लगातार 3.5 दशक से अपनी धमक कायम रखी है। भाजपा प्रत्याशी की जीत की खबर आने पर भाजपा दफ्तर, भाजपा प्रत्याशी के आवास पर, पंचायत प्रतिनिधियों, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर ए वर्मा की अगुवाई में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने खूब अबीर, गुलाल उड़ाया व एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान जीत की खुशी में भाजपाइयों व समर्थकों ने डीजे पर खूब डांस किया। भाजपा प्रवक्ता विजय सिंह रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि जीत मिलने के बाद एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जिले की सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी से दूरभाष पर वार्ता कर उनके समर्थन के लिए आभार प्रकट किया। वहीं मेनका संजय गांधी ने शैलेंद्र सिंह की जीत पर उनको बधाई व शुभकामनाएं दी। भाजपा के नवनिर्वाचित एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी नेतृत्व व पंचायत प्रतिनिधियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अब विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्व बहुमत में होगी। भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह को उनके आवास पर जीत की बधाई देने वालों में भाजपा के कादीपुर विधायक राजेश गौतम, लंबुआ सीताराम वर्मा, शहर विधायक विनोद सिंह, सदर राजबाबू उपाध्याय, पूर्व विधायक अर्जुन सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष जगजीत सिंह छंगू, सांसद प्रतिनिधि रणजीत कुमार, महामंत्री संदीप सिंह, विजय त्रिपाठी, शशिकांत पांडे, आनंद त्रिवेदी, आलोक आर्य, आशीष सिंह रानू, मीडिया जिला संयोजक अरुण द्विवेदी, पंचायत प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक बॉबी सिंह प्रमुख रहे। वहीं विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष व बार एसोसिएशन के नव निवर्तमान अध्यक्ष नागेंद्र सिंह की अगुवाई में संदीप ठाकुर, काशी प्रसाद शुक्ला, गोमती मित्र मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह, योगेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, बेला मोहन, धीरेन्द्र सिंह, अशोक सिंह सहित दर्जनों अधिवक्ताओं ने एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह की जीत पर उनके दीवानी स्थित आवास पर जाकर बधाई दी। इस दौरान शैलेंद्र प्रताप सिंह ने अपने इलेक्शन एजेंट सर्वेंद्र कुमार सिंह के साथ कलेक्ट्रेट गए, वहां जिलाधिकारी से जीत का सर्टिफिकेट लिया। इसके बाद एमएलसी का काफिला भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर ए वर्मा के साथ विजेथुआ महावीर पहुंचकर पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। एमएलसी को जीत की बधाई देने वालों में अमेठी के जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी, महामंत्री राकेश त्रिपाठी, अमेठी के जिला प्रवक्ता चंद्र मौली सिंह, भाजपा नेता गांधी सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, रमेश सिंह, टिन्नू, अरुण सिंह, चंदन नारायण सिंह, मोहित सिंह, कुलदीप सिंह भदैया, ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र वर्मा दुबे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अखिलेश सिंह, डिम्पल बाबलीवाल, संघ के जिला महासचिव वेद प्रकाश उपाध्याय, चैंपियन विवेक सिंह, विपिन प्रदीप शुक्ला, नरेंद्र कुश सिंह, रामेंद्र प्रताप सिंह, नगर अध्यक्ष आकाश जायसवाल, मनीष जायसवाल, रामवरण सिंह, अशोक शुक्ला, अजय सिंह, गोरखनाथ सिंह, एमएलसी चुनाव के धनपतगंज संयोजक उमाकांत शुक्ला, प्रवीण मिश्रा, रेणु सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में पंचायत प्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख शामिल रहे।